दिल से जुड़े रिश्तों का कोई नाम नहीं होता। अगर निभाने का जज्बा दोनों तरफ से हो तो रिश्ता कभी नाकाम नहीं होता। 94.3 माय एफएम पर मैं हूँ विनी आपके साथ, और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। सुनाती हूँ कहानी आपको एक बहुत ही गरीब आदमी की, जो बहुत गरीब था, मैकेनिक का काम किया करता था, और उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत थी। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, उसके बहुत सुंदर लंबे घने काले बाल थे, हर कोई उसके बालों की तारीफ किया करता था। इनफैक्ट उसकी सहेलियां उससे कहा करती थी कि तुम्हारा पति शायद इसीलिए तुमसे बहुत प्यार करता है क्योंकि तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं। वाकई उसके पति को उसके बाल बहुत पसंद थे, वो उनसे बहुत प्यार करता था और अपनी बीवी से भी बहुत प्यार करता था। सब कुछ नॉर्मल सा चल रहा था क्योंकि ज्यादा पैसे नहीं थे तो यूं ही कमी में एक दिन गुजारने पड़ते थे, मगर प्यार से उनके दिन कटा करते थे। एक दिन उस लड़की का हेयर क्लिप, जो उसके पास एक लौता हेयर क्लिप था, वो टूट गया। उसने कोशिश करी कि उसे जोड़ के काम चला ले, लेकिन नहीं जुड़ा। जब उसका पति काम से घर आया तो उसने पति को ये बात बताई और कहा कि मुझे नए हेयर क्लिप की जरूरत होगी, इतने बड़े बाल मैं खोलकर नहीं घूम सकती। उसके पति ने बहुत ही दुखी स्वर में उसे मना किया, अपना खाली बटुआ दिखाया और कहा कि मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए सब कुछ करना, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हारे लिए हेयर क्लिप लाने के। इनफैक्ट मेरी घड़ी बहुत दिनों से खराब है, मैं एक खराब घड़ी लेकर घूम रहा हूँ, लेकिन मेरे पास घड़ी को सुधरवाने के भी पैसे नहीं है, मुझे माफ कर दो। उसने सॉरी बोला अपनी बीवी को, वो समझती थी और उसने कुछ भी नहीं कहा। दोनों बहुत उदास हो गए। अगले दिन सुबह जब वो काम पर जा रहा था तो उसके मन में यही बात गूंज रही थी कि पहली बार मेरी बीवी ने मुझसे कुछ मांगा था और मैं उसे वो भी नहीं दे सका। इतने में सामने उसे घड़ी वाले की दुकान दिखती है और अपनी खराब घड़ी पर उसकी नजर जाती है। वो सोचता है ये मुझे समय तो बता नहीं रही है, क्यों ना इसे बेच दूं, इतने पैसे तो आई जाएंगे कि एक हेयर क्लिप खरीद लूं। उसने इस बात को बिल्कुल सेकंड थॉट नहीं दिया, गया अपनी घड़ी को बेचा और जो पैसे मिले बहुत खुशी से उन्हें लेकर एक हेयर क्लिप की दुकान में पहुंचा और बिल्कुल वैसा हेयर क्लिप जो टूट गया था, जो कि उसकी पत्नी को बहुत पसंद था, वो उसने खरीदा। उसके बाद जब वो काम पर गया तो दिन भर बहुत एक्साइटेड और खुश था। उस दिन उसने अपना काम भी जल्दी खत्म करा क्योंकि उस हेयर क्लिप के साथ अपनी पत्नी को वो सरप्राइज देना चाहता था। सरप्राइज देने के लिए घर पहुंचा तो खुद शॉक हो गया क्योंकि उसने देखा कि उसकी पत्नी अपने बालों को कटवा चुकी थी। उसने जब अपनी पत्नी से पूछा कि तुमने ये क्यों किया तो बोली, बस आज मैं चली गई थी एक विग की दुकान पर और वहां जाकर अपने लंबे बाल मैंने बेच दिए, बालों को बेचकर जो पैसे आए उससे तुम्हारे लिए कुछ लाई हूं। और वो लेकर आई थी अपने पति के लिए एक नई घड़ी। दोनों एक दूसरे के गले मिलकर बहुत रोए। उस व्यक्ति ने उस घड़ी को पहना और उसने अपने छोटे बालों में ही वो हेयर क्लिप लगा लिया और उन दोनों को एहसास हुआ कि पैसे की कमी या किसी भी चीज की कमी उनके रिश्ते को कभी नहीं तोड़ सकती। हमें लगता है कि साथ होने के लिए, रिश्ते निभाने के लिए पैसे बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि जहां सच्चा प्यार होता है ना, वहां सब कुछ अपने आप निभ जाता है। आपको लगता है कि आपकी खुशी की वजह आपका बड़ा सारा घर, उसमें रखा हुआ महंगा सोफा, आपके हाथ में आया हुआ महंगा स्मार्टफोन है, लेकिन एक बार सोच के देखिए कि उसी घर में बैठे हुए, उसी सोफे में बैठे हुए, उसी स्मार्टफोन पर कोई एक ऐसा मैसेज आ जाए जो आपके दिल को बहुत दुख दे जाए, तब क्या वही तीनों चारों चीज आपको खुशी दे पाएंगी? नहीं। असली खुशी जीवन में होती है सच्चे प्यार की। किसी का सच्चा प्यार बनने की कोशिश कीजिए और अगर कोई आपको प्यार करता हो तो उसे कभी मत खोइए। 94.3 माय एफएम से मैं हूँ विनी। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।